हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। सबसे पहला सवाल, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 जब हम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है। पेपर में इसका डिफरेंस नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। इसका पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसके बारे में आता है। तो ये पोर्शन आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आपको आ भी जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर लिया करो, बता दे करो कि कैसा लगा वीडियो, या फिर अगर कुछ कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स होता क्या है। तो पहले आते हैं कि कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। तो कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है, विच आर यूज, कौन कौन करता है, कंज्यूमर, विच आर यूज बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर गुड्स यूज करता है उसे हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो मैं कपड़े यूज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है ना। जैसे मैंने दूध खरीदा, ठीक है ना, वेजिटेबल खरीदा, ये सारे क्या है, ये सारे कंजम्पशन गुड्स है, ठीक है ना, ओके। दूसरा आगे कहता है नो फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज, फ्यूचर में कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होगा इनका, है ना, ठीक है, ओके। तो अभी आपने अगर परचेज कर ली फिर फ्यूचर में कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होगा, जैसे कि फूड, पेन, क्लोथिंग एक्सेट्रा। अब यहां पर इसकी चार कैटेगरी है, तो आई होप क्लियर होगा। कंजम्पशन गुड्स मतलब वे गुड्स जो कंज्यूमर खरीदता है फॉर कंजम्पशन पर्पस, ठीक है ना, जो कंज्यूम करता है गुड्स, ठीक है ना, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है ना, और इनका फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्टिव यूज नहीं है, उनको बोलते हैं हम क्या, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। इसकी चार कैटेगरी है, ठीक है ना। सबसे पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वे गुड्स जो थोड़े से लंबे टाइम तक चलते हैं, यानी एक साल से ज्यादा तक चलते हैं। जैसे मैंने घर पे टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो इनकी लाइफ क्या है, एक साल से ज्यादा तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। अब आ जाता है सेमी ड्यूरेबल। अब बोलेंगे इसको भी हम कंजम्पशन गुड्स ही, है ना। अब आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल इससे थोड़ा कम चलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कपड़े हो गए, क्रोकरी का सामान हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वे गुड्स जिनका दोबारा से यूज नहीं हो सकता, कैन नॉट रीयूज्ड, ठीक है ना, एक बार यूज कर लिया बात खत्म। जैसे मैं दूध ले आया सुबह सुबह, मैंने दूध पी लिया, बात खत्म। दही ले आया, दही खा ली, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबल, इनकी लाइफ जो है ना ज्यादा नहीं होती। दो चार दिन आपने देखा होगा दही के ऊपर, दूध आप जब खरीदते हो उसके ऊपर डेट देखते हो तो हफ्ते भर की डेट लिखी रहती है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होते हैं, इनटेंजिबल गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसी गुड्स जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, बट वी कैन नॉट सी एंड टच, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्विस। आई होप क्लियर होगा। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, जो कंज्यूमर परचेज करता है कंजम्पशन पर्पज से, जिसका प्रोडक्टिव यूज नहीं है फ्यूचर में। इसकी चार कैटेगरी है, ड्यूरेबल जिसका एक लंबे एक साल से ज्यादा का टाइम होता है नॉर्मली, सेमी ड्यूरेबल एक साल से कम होता है, नॉन ड्यूरेबल इनका तो बहुत ही कम होता है, दो चार दिन के अंदर, ठीक है, जिनको रीयूज नहीं कर सकते। सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, जिसको देख नहीं सकते आप, ना टच कर सकते, जैसे टीचर, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी भी सर्विसेज देती है। तो ये था कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये पेपर में आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, तो अच्छे से कर लेना इसको, पेपर में आ सकता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता ही रहता है। इसके साथ साथ में कैपिटल गुड्स, अच्छा अलग से भी पूछ सकते हो, कंजम्पशन गुड्स अलग से पूछ लेंगे, ठीक है ना, और कैपिटल गुड्स वो अलग से पूछ सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, फिजिकल एसेट्स। कैपिटल गुड्स मतलब फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो मैंने एक बिल्डिंग परचेज की, ठीक है ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ कपड़े की, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है ना, मशीनें परचेज की, तो जो बिल्डिंग परचेज की मैंने, जो मशीन है इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल एसेट्स, ठीक है ना। फिजिकल एसेट्स जो क्या करते हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चर, जैसे बिल्डिंग, ठीक है ना, और मशीन एक्सेट्रा। तो कैपिटल गुड्स मतलब वे गुड्स या जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल असेट्स, यानी जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारा फर्दर प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, तो मशीन खरीदेंगे तो मशीन हेल्प करेगी ना प्रोडक्ट को बनाने में, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग के अंदर ही तो प्रोडक्ट बनाओगे ना, है ना। तो ये होगा आपका
कंजम्पशन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। आई होप क्लियर होगा। अब आ जाते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है बेसिस कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहला पॉइंट है मीनिंग। तो मीनिंग तो भाई यही वाला उठा के लिख देना, कंजम्पशन गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर एंड ठीक है ना विच हैव नो फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। और कैपिटल गुड्स का मीनिंग ये लिख देना, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स ठीक है ना विच आर ठीक है ना कॉल्ड फिजिकल एसेट्स एंड विच आर यूज इन प्रोडक्शन ठीक है ना, या कंपनी जिसको प्रोडक्शन के रूप में यूज करते हैं वगैरह का। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स तो ये वाले एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हालांकि ये जितने एग्जाम्पल्स के अंदर लिख सकते हैं ये भी इसी के एग्जाम्पल के सारे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फूड, पेन, क्लोथिंग, टीवी, एसी कुछ भी लिख दो है ना, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। कैपिटल गुड्स के अंदर आपको एग्जाम्पल ये बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह वगैरह और भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट वगैरह है ना, प्लांट, मशीनरी ठीक है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट तो आपने यहीं से कर लिए। अब आते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड देखिए, कैपिटल गुड्स जो होता है जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, मशीन हमने एक बार खरीद ली, मशीन कई साल तक चलती है, 10-10, 15-15, 20-20, 25-30 साल ठीक है ना। और बिल्डिंग आपने एक बार परचेज कर ली तो बिल्डिंग आप देखो 100-100 साल चल जाती है, 150 साल चल जाती है, डिपेंड करता है ना ठीक है ना। तो ये लंबे समय तक चलती है, 1 साल से ऊपर तो चलेगी ही चलेगी, तो कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स लिमिटेड पीरियड होता है इनका ठीक है ना, इनमें से कुछ 1 साल से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीवी, एसी वगैरह हो सकते हैं ठीक है ना। ओके सॉरी तबीयत खराब है ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स के अंदर अब आता है पर्पस क्या है ठीक है ना, कंजम्पशन गुड्स का क्या पर्पस है ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स क्यों खरीदेगा, कंजम्पशन गुड्स मतलब जो कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, मैं गुड्स क्यों खरीदूंगा कंजम्पशन पर्पस से ठीक है ना, उससे मेरी नीड सेटिस्फाई होती है। भाई सुबह सुबह मुझे दूध पीना था, मैंने दूध खरीदा, तो दूध पीना ठीक है ना से मेरी नीड सेटिस्फाई होगी, मेरी जरूरत सेटिस्फाई होगी, मुझे दूध की जरूरत थी है ना। तो कंज्यूमर गुड्स आर परचेज्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल पर्सनल कंजम्पशन नीड ठीक है ना, पर्सनल नीड पूरी करने के लिए है ना। और कैपिटल गुड्स क्यों खरीदेंगे हम, अभी बताया था प्रोडक्शन में यूज करते हैं उसका, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए है ना। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम क्यों परचेज करते हैं, ताकि मैन्युफैक्चर कर सके, प्रोडक्शन कर सके, गुड्स बना सके ठीक है ना। इस गुड्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए ठीक है ना। कैपिटल गुड्स यानी मशीन, बिल्डिंग ठीक है ना। मशीन नहीं होगी तो आप कोई प्रोडक्ट थोड़ी बना सकते हो ठीक है ना। बिल्डिंग नहीं परचेज करोगे तो कहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाओगे, फैक्ट्री नहीं आपके पास। तो ये था आज की क्लास जिसके अंदर हमने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स पढ़ा। आई होप क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। तबीयत काफी खराब है ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को ठीक है। और आई होप मतलब कोई दिक्कत रही नहीं होगी, आपको लगा नहीं होगा कि तबीयत खराब है ना ठीक है ना, क्योंकि सुबह सुबह अभी दूध पी के मैंने बोला ना, दूध की बात कर रहा था मैं। हाँ तो आई होप क्लियर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, बाकी के जो पिछले पार्ट एक बार जाके देख लो आप लोग ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ठीक है।